हेलो चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर फाइन. सो लास्ट टाइम हमने क्लास वन में क्या रीड किया था? हमने लास्ट टाइम रीड किया था आपका नेशनल माई कंट्री इंडिया. क्या लास्ट टाइम हम लोगों ने रीड किया था? माई कंट्री इंडिया. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन 15, अर्ली ह्यूमंस. मतलब अर्ली ह्यूमंस मीन्स क्या होता है? अर्ली मीन्स पुराना, यानी प्रारंभिक, यानी सबसे पहले. सबसे पहले ह्यूमंस मीन्स क्या होता है? मानव. यानी बहुत पहले, ईयर्स, बहुत सालों पहले जो मानव थे, जो मनुष्य थे, जो हम लोग थे, वो कैसे थे, फिर हम लोगों ने क्या सीखा, फिर हम लोगों ने कैसे अपना जीवन कैसे अपना बनाया, कैसे खाना बनाना सीखा, कैसे आग जलाना सीखा, कैसे खेती सीखा, ये सब क्या हो गया? अर्ली ह्यूमन ने ही अपने अंदर डेवलप किया, जो हम आज आप लोग फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जब बहुत पहले क्या थे, बहुत सालों पहले जब आदमी लोग थे, तो वो क्या करते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, ये सब हम आज इस चैप्टर में रीड करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं अर्ली ह्यूमन. सो पहले हम लोग क्या थे? मंकी थे ना, मंकी. उसके बाद फिर क्या हुआ? इस तरह से चिंपैंजी हुए, फिर इस तरह से ग्रो किए, फिर क्या हो गया? ह्यूमंस बन गए. तो स्टार्ट करते हैं आपका. सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या रीड करेंगे? अर्ली ह्यूमंस के बारे में, यानी कि पहले लोग कैसे रहते थे उनके बारे में पढ़ेंगे. चेंजेस इन द लाइफ्स, और उन्होंने अपने जीवन में, लाइफ्स मीन्स जीवन, अपने जीवन में उन्होंने क्या परिवर्तन किया, क्या बदलाव किया. चेंज मीन्स क्या हुआ? बदलाव करना, चेंज करना. ठीक है, बदलाव मीन्स इंग्लिश में क्या होता है इसका? चेंज करना. ठीक है, चेंज मीन्स बदलाव. अर्ली मीन्स क्या होता है? बहुत साल पहले, प्रारंभिक में, शुरुआत में. ह्यूमंस मीन्स क्या होता है? आदमी, तो मानव. तो ये हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? अर्ली ह्यूमन, यानी बहुत पहले लोग कैसे रहते थे, वो उन आदमियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मानव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. मानव मीन्स क्या होता है? जैसे हम लोग हैं, ह्यूमंस है, वैसे ही. People who lived many many years ago were called early humans. मतलब people, जो लोग क्या थे, पहले कहाँ रहते थे? बहुत साल, many many years, मतलब बहुत सालों पहले कहाँ रहते थे? रहते थे वो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्ली ह्यूमन कहते हैं. बहुत सालों पहले जो लोग रहते थे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ली ह्यूमन्स बोलते हैं. Life of early humans change over a long period of time. उसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने अपना जीवन क्या किया? चेंज किया. बहुत दिनों के बाद जब वो लोग रहते रहते क्या हुए, कुछ कुछ सीखने लगे, तो उन्होंने अपने लाइफ को कैसे बहुत टाइम तक चेंज करते करते बहुत उन्होंने अपने लाइफ को चेंज कर लिया, नहीं बदलाव कर लिया. लाइफ ऑफ एवरी अर्ली ह्यूमंस चेंज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. उनको अपना जीवन क्या करना, अपने चेंज करने में, अपने जीवन को बदलाव करने में कितना टाइम लगा? बहुत टाइम लग गया. जैसे कि पहले वो लोग क्या खाते थे, पहले कैसे बिना कपड़े के रहते थे, फिर उन्हें क्या हुआ, फील हुआ कि ठंड लग रही है, तो फिर उन्होंने क्या किया, एनिमल के स्किन को अपने में बांध लिया, कपड़ा बनाया उसका. फिर उससे क्या हुआ, लीव्स को, पत्ते को तोड़ तोड़ के फिर उसका कपड़ा बना के पहना, फिर भी उन्हें ठंड लगती थी. तो उनको इतना काम करने में बहुत टाइम लग गया, अपने आप में चेंज करने में क्या हुआ, बहुत टाइम लग गया. दे हैड नो क्लॉथ टू वियर, उनके पास क्या था, पहले पहनने के लिए कपड़ा नहीं था. जो अर्ली ह्यूमंस थे वो क्या थे, बिना कपड़ा के रहते थे, उनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था. ठीक है, क्लॉथ मीन्स कपड़ा हुआ, वियर मीन्स पहनना. दे कवर्ड देयर बॉडीज विथ लीव्स और एनिमल्स स्किन, मतलब वो अपने बॉडी को, अपने शरीर को ढकने के लिए क्या यूज करते थे, क्या, एनिमल्स का स्किन याद कर, जैसे एनिमल्स का स्किन हो गया, जैसे आपका हो गया टाइगर का, उसको मार दिए, फिर उसकी स्किन को निकाल के उसका हम लोग क्लॉथ बना के पहने, क्लॉथ नहीं बनाया, ऐसे ही उसके स्किन को लपेट लिए. उसके बाद उसके नहीं हुआ तो फिर बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, जिसके लीव्स बड़े बड़े, पत्ते बहुत लंबे लंबे होते हैं, उन पत्तों को आपस में जोड़ के फिर उसको पहन लिया. तो यही क्या करते थे अर्ली ह्यूमंस, क्या करते थे, अपने बॉडी को कवर करने
करने के लिए क्या यूज करते थे? लीव्स यूज करते थे और एनिमल स्किन यूज करते थे। तो हम लोग देखते हैं, ये देखिए अर्ली ह्यूमंस क्या है, ये देखो लीव्स पहने हुए हैं ना, है ना, और ये क्या है, ये एनिमल स्किन है। क्या है ये? एनिमल स्किन, एनिमल स्किन उन्होंने पहन रखा है। और ये क्या है? लीव्स है। एनिमल स्किन और लीव्स पहना करते थे। अब और वो लोग क्या खाते थे? तो ऐसे ही फ्रूट्स वगैरह पेड़ों से तोड़ तोड़ के खाते थे, ठीक है। दे एट फ्रूट रूट्स और प्लांट सीड्स एंड रो फ्लैश। मतलब क्या करते थे वो लोग खाना के लिए क्या यूज करते, अपने खाने के लिए क्या यूज करते थे? फ्रूट्स का यूज करते थे, फिर प्लांट के रूट का यानी जड़ खाते थे, पौधों के जड़ को खाते थे, उनके बीज खाते थे, और उनके क्या करते थे, फ्लैश यानी कि उनके जो होते हैं स्टेम होते हैं जो सूख जाते हैं वो सब यूज करते थे खाने के लिए। दे डिड नॉट नो हाउ टू कुक। उनको खाना बनाने का कोई जानकारी नहीं था, मतलब वो खाना बनाना नहीं जानते थे कि खाना कैसे बनता है, खाना को पकाते कैसे हैं, तो ये सब उनको क्या था, पता नहीं था। किसको नहीं पता था? अर्ली ह्यूमंस को। दे लिव्ड इन फॉरेस्ट एंड केव्स। वो कहाँ रहते थे? वो रहते थे जंगलों में रहते थे और केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, जो पत्थर की गुफा जाकर नहीं होता था उसी में वो लोग क्या करते थे, रहते थे, जंगल में रहते थे और गुफा में रहते थे। उनके पास, उनको घर की भी जानकारी नहीं थी, उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। जैसे हम लोग के पास आजकल घर है ना, वैसे उनके पास क्या था, घर नहीं था। उनको पता ही नहीं था कि घर क्या होता है, घर में कैसे रहते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, ये तो हम लोग आज जानते हैं ना, लेकिन पहले क्या था, उन लोगों को नहीं पता था कि कैसे खाना बनाया जाता है, खाने का टेस्ट क्या होता है, खाने में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, कौन सा स्टेंसिल्स यूज होता है, ये सब उनको नहीं पता था। तो ये देखिए अर्ली ह्यूमंस में ये क्या है, पहले तो क्या थे हम लोग, मंकी थे, फिर उसके बाद ग्रो किए, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ ये, फिर सेकेंड स्टेप हुआ, फिर क्या हुआ, थर्ड स्टेप हुआ, फिर ये फोर्थ स्टेप हुआ, फिर जाके फिफ्थ स्टेप हुआ, फिर हम लोग कैसे हो गए, आज के जैसे हो गए, सिक्स्थ स्टेप। तो इस तरह से क्या हुआ, अर्ली ह्यूमन पहले मंकी से क्या बना, ये स्टेप बना, फिर उसके बाद ऐसे हो गए हम लोग, अब फिर जाके अब ऐसे हो गए। तो ऐसे हम लोग का क्या हो गया, लाइफ का डेवलपमेंट हुआ और हम लोग ग्रोथ किए। चेंजेस इन देयर लाइफ, उन्होंने अपने लाइफ में क्या बदलाव किया, अब उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले वो लोग क्या करते थे, वो उनको कुकिंग करने नहीं आता था, वो उनको उनके पास कपड़ा नहीं था पहनने के लिए। उसके बाद अब देखते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या चेंज किया। विद द टाइम अर्ली ह्यूमंस लर्न टू मेक फायर बाय रविंग स्टोन। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बहुत टाइम के बाद उन्होंने अपने क्या किया, उनको जब ठंड लगती थी तो अर्ली ह्यूमंस क्या, उन्होंने क्या सीखा कि आग को कैसे जलाते हैं। तब क्या हुआ, बहुत पहले क्या हुआ, वो लोग क्या करते थे, पत्थर यूज करते थे, पत्थर, तो पत्थर का यूज किस लिए करते थे, ऐसे ही। तो एक बार एक ह्यूमन ने क्या किया, अर्ली ह्यूमन ने पत्थर को क्या किया, ऐसे ऐसे टकर करके कुछ ऐसे कर रहे थे, तो अचानक उनको क्या हुआ, जब दो पत्थर को आपस में हम लोग रविंग करते हैं ना, तो उसमें से क्या होता है, आग जैसे फायर निकलता है, तो उन वो ऐसे ही कर रहे थे, ऐसे ऐसे करते, तो उनको देखा कि उसमें से फायर निकल रहा है, तो उनको क्या हुआ, पता चला कि अगर हम क्या करेंगे, स्टोन को रविंग करेंगे यानी रगड़ेंगे आपस में, तो क्या होगा, फिर फायर निकलेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या, तब उनको पता चल गया, उन्होंने कैसे सीख लिया, दो स्टोन को आपस में उन्होंने क्या किया, रबिंग किया, तो उन्होंने क्या सीखा कि उनसे उनको फायर मिला, यानी कि अर्ली ह्यूमन ने धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट किया, पत्थरों को रगड़ा, तो उन्हें अब पता चला कि इससे क्या हो सकता है, आग उत्पन्न हो सकता है। फिर क्या हुआ, फिर आगे देखते हैं, दे
Then they learned to cook. उसके बाद जब देखा कि इस क्या हो गया, आग जल गया, तो आग पे हम कुछ भी सेक सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं. तब उन्होंने क्या किया, क्या सीखा, फिर उन्होंने कुक करना सीखा, यानी खाना बनाना सीखा. फिर क्या हुआ, फायर also helped them to keep wild animals away and keep them warm. तो उन्होंने देखा है कि आग जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, आग से हमें हीट मिलता है, गर्मी मिलता है. तो उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ. फिर उन्होंने देखा कि आग पे हम कोई भी चीज को ऐसे ऊपर हैंग कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, पक जाता है. तो उस तरह से उन्होंने कुकिंग सीखा. फिर आग से क्या होता है, उन्होंने देखा कि आग के पास कोई भी एनिमल जो होता है वो नहीं आता, वो आग से डरते हैं. तो कोई एनिमल्स, तो उन्होंने आग का किस लिए यूज किया, एक तो कुकिंग के लिए किया, फिर अपने बचाव के, यानी कि कोई भी एनिमल उनको काट लेगा, मार देगा, तो उन्होंने आग जला के रखा जिससे उन्हें जंगली जानवर जो है वो क्या परेशान ना करे. और फिर उसके बाद क्या हुआ, और आग को किस लिए यूज किया, अपने बॉडी को वार्म करने के लिए, गर्म करने के लिए. जैसे ठंडे में हम लोग आग सेकते हैं तो गर्मी फील होती है ना, ऐसे ऐसे आग सेकते हैं तो हमें हमारा हाथ जो ठंडा होता है वो गर्म हो जाता है. जब भी हम अपने हैंड्स को भी रबिंग करते हैं तो हमें उसमें से गर्मी मिलती है ना, तो वैसे ही स्टोन को उन्होंने रबिंग किया तो उससे आग उत्पन्न हुआ. फिर वो आग ने, आग से उनको क्या क्या फील हुआ, उन्होंने देखा कि आग से हम उसमें खाना भी बना सकते हैं, आग से हम क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी को वार्म भी कर सकते हैं, आग से हम अपने क्या कर सकते हैं, हम जानवरों से बचाव भी कर सकते हैं. तो इस तरह उन्होंने आग का कितना हुआ, बहुत ज्यादा उनको फायदा मिला. तो उन्होंने ये सब चीज क्या हुआ, फायर उत्पन्न करने से, यानी आग उत्पन्न करने से इतना सारा उनका काम होने लगा. ठीक, कीप द वाइल्ड एनिमल एंड कीप देम वार्म. तो अपने बॉडी को वार्म रखने लगे और फिर अपने जंगली जानवर से बचाव करने लगे. ये देखिए, ये कैसे अर्ली ह्यूमन ने क्या किया हुआ है, सी दिस पिक्चर, इन्होंने रबिंग स्टोन कर रहे हैं किस लिए, फायर के लिए. और ये क्या है, ये देखिए, ये क्या है, उन्होंने यहाँ पे आग जला दिया है, उसके ऊपर एक स्टिक है, उस स्टिक पे क्या किया, फिश को हैंग करके क्या कर रहे हैं, आग के पास पका रहे हैं. तो इस तरह से इन्होंने धीरे धीरे सारा काम सीख लिया. अब देखते हैं आगे क्या करना है. दे ऑल्सो लर्न टू मेक टूल्स फ्रॉम स्टोन. उन्होंने क्या किया कि अपने वो स्टोन से, यानी क्या पत्थरों से क्या क्या सीखा, टूल्स बनाना सीखा, स्टोन से यानी कि हथियार बनाना सीखा, सामान बनाना सीखा, पत्थरों से शार्प किया और उसको बनाना सीखा जिससे क्या कर सके, वो जंगली जानवर को मार सके और फिर उससे अपना खाना बना सके और अपना बचाव कर सके. इसलिए उन्होंने क्या किया, फिर स्टोन से उन्होंने टूल्स बनाना सीख लिया. शार्प स्टोन हेल्प देम इन अ हंटिंग. और फिर उन्होंने जानवरों का उससे शिकार करना शुरू कर दिया, यानी अपने खाना खाने के लिए. अब फिर क्या होता था, जानवर को मारेंगे तभी तो वो उससे खाना उसको पकाएंगे. तो उन्होंने उस स्टोन का किस लिए यूज़ किया, स्टोन से उन्होंने शार्प किया और इंस्ट्रूमेंट टूल्स बनाना सीखा. और फिर जब उन्हें भूख लगती थी तो उन्होंने क्या किया कि इस स्टोन से जानवरों को मारा और उसके बाद उसको पका के खाया. ये देखिए टूल्स कैसे बना रहे हैं, ये क्या स्टोन्स को क्या करते हैं, अपने उसको शार्प कर करके, और क्या देखिए टूल्स बन रहा है, ये भी टूल्स बना रहे हैं. देखिए कैसे टूल्स बनाते हैं, ये उन्होंने शार्प कर करके टूल्स बनाया है. ये है स्टोन, इसको शार्प किया और इसी से इन्होंने क्या करते थे, जानवरों को मारते थे और फिर उसको पका के खाते थे. ग्रेजुअली अर्ली ह्यूमंस लर्न टू टेम एनिमल्स एंड ग्रो क्रॉप्स. उसके बाद उन्होंने क्या सीखा, अर्ली ह्यूमन ने सीखा कि जानवरों को पाला भी जा सकता है और उस और जानवरों को पाल के और अनाज भी उत्पन्न किया जा सकता है, फसल भी क्या हो सकती है, फसल भी उन्होंने यानी कि खेती भी करना सीख लिया. कैसे, उन्होंने क्या किया, जानवरों को पालना सीख लिया, यानी कि
जानवर को पालेंगे तभी तो खेती होगी। पहले कैसे होती थी, दो बैलों को आपस में जोड़ के उनके ऊपर रख के और फिर उनसे खेती होती थी। अब तो मशीन हो गया है, लेकिन पहले क्या, उन्होंने जानवरों को पाला और उसके बाद उससे खेती सीखी। ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ द व्हील हेल्प अर्ली ह्यूमंस टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने टूल्स बनाना सीखा तो उन्होंने क्या इन्वेंशन किया, उन्होंने क्या चीज का आविष्कार किया, व्हील का आविष्कार किया, यानी पहिए का आविष्कार किया। और पहिए का आविष्कार से उन्हें क्या फायदा हुआ, जानवरों को उस तरह से गाड़ी बना के उसमें पहिया लगा के वो क्या कर सकते थे, अपना सामान को क्या कर सकते थे, कैरी कर सकते थे, यानी कि ढो सकते थे वन प्लेस टू अनदर। जब उन्होंने क्या सीख लिया, जानवर को पालना सीख लिया, फिर उन्होंने क्या सीखा, खेती करना सीख लिया, उसके बाद क्या इन्वेंशन किया, एक पहिए का आविष्कार किया। और उसके बाद क्या हुआ, उस पहिए के आविष्कार करने से एक छोटी सी गाड़ी बनाई जिसमें क्या किया, एनिमल्स को बांध दिया और उसके ऊपर सारा सामान, यानी जो अपना भी जो जितना भी सामान है उसको ढोना सीख लिया। एक जगह से दूसरे जाने जगह जाने के लिए उन्होंने पहिए का आविष्कार के लिया, जिससे वो आराम से अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह भेज सके। तो ये हमारा हो गया अर्ली ह्यूमंस का डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट देखिए, उन्होंने कैसे फसल बनाना सीखा, देखिए कैसे फसल कर रहे हैं, ये सब सीप्स है, उनको ये टैम्प कर रहे हैं यानी कैप्ट कर रहे हैं, पाल रहे हैं। और ये व्हील है, इन्होंने ऐसा व्हील बर्ले बनाया जिससे उन्होंने अपने गुड्स को कैरी किया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, नंबर ऑफ द पिक्चर शोइंग द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली ह्यूमंस। मतलब हमको क्या करना है, इस पिक्चर को देखकर इसमें इनके डेवलपमेंट्स को क्या करना है, नंबर देना है। तो सबसे पहले तो वो लोग क्या करते थे, कैसा कपड़ा पहनते थे, वो लीव्स के, फिर उसके बाद वो उन्होंने क्या किया, एनिमल्स के स्किन का कपड़ा पहना, फिर उन्होंने फ्रूट्स खाना सीखा, उसके बाद उन्होंने टूल्स को सार्व करना सीखा और उसके बाद उन्होंने क्रॉप करना सीखा। ठीक है, तो दे लर्न्ड क्रॉप। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेज हो गया, हमने इसके स्टेज को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, लीव्स के कपड़े क्लॉथ्स को वियर किया, फिर उन्होंने एनिमल स्किन को वियर किया, उसके बाद उन्होंने फ्रूट्स को ईट ऐड किया, उसके बाद क्या उन्होंने सार्व किया स्टोन को, और क्या लर्न किया टूल्स बनाना, उसके बाद क्या हुआ उन्होंने लर्न किया क्रॉपिंग करना। तो ये हमारा स्टेज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब समरी देख लेते हैं। अर्ली ह्यूमंस लिव इन फॉरेस्ट। अर्ली जो ह्यूमंस थे वो कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट में, यानी जंगल में रहते थे, क्योंकि उन्हें घर बनाना तो आता नहीं था, तो वो घर के बारे में उनको पता ही नहीं था, तो वो सबसे पहले कहाँ रहते थे, जंगल में रहते थे। अर्ली ह्यूमंस डिड नॉट नो हाउ टू कुक। अर्ली ह्यूमंस को, जो बहुत पहले के आदमी थे, उनको क्या नहीं पता था, उनको खाना बनाना नहीं पता था, वो कुछ भी खा के रह लेते थे। कभी उनके फल मिलता तो फल खा लेते, लीव्स मिलता तो लीव्स खा लेते, प्लांट्स के रूट्स मिलते तो वो खा लेते। उनको पता ही नहीं था कि खाना का टेस्ट क्या होता है, जैसे हम लोग को आज पता है ना टेस्ट वगैरह, उसके पहले उनको पता ही नहीं था। तो आज वो क्या कर लेते, आज हम लोग तरह तरह के डिशेज बना के खा लेते, लेकिन बहुत पहले, बहुत जमाने पहले उनको पता नहीं था कि खाना कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये उन्होंने धीरे धीरे अपने अंदर क्या किया, डेवलपमेंट किया और सीखा। इट टुक अर्ली ह्यूमंस अ लॉन्ग टाइम टू लर्न हाउ टू टेम एनिमल एंड ग्रो क्रॉप। उनको क्या हुआ, अर्ली ह्यूमन ने धीरे धीरे क्या किया, अपने धीरे धीरे उन्होंने क्या सीख लिया, क्रॉपिंग करना, यानी कि फसल को उत्पन्न करना सीखा, उसके बाद एनिमल को पालना सीखा, यानी उन जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनको पालना सीख लिया। तो इसमें उनको क्या लगा, बहुत टाइम लग गया, बहुत टाइम के बाद उन्होंने ये सब चीज़ सीखा। ठीक है, जैसे आज हम लोग क्या है, तुरंत
बस सीख लेते हैं कोई भी चीज, क्योंकि चारों तरफ हम लोग को ये काम होता है इसे देख लेते। अर्ली ह्यूमंस को क्या था, ये चीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, तो इनको ये सब काम करने में बहुत टाइम लग गया। तो वो उन्होंने धीरे धीरे करके सीख लिया क्या क्या, क्रॉप ग्रो करना और टैम एनिमल यानी जंतुओं को पालना। एनिमल्स टेम्स बाय द अर्ली ह्यूमन प्रोवाइडेड देम देम मीट एंड मिल्क। एनिमल्स वेयर यू कैरी हैवी वेट। तो क्या हुआ, अर्ली ह्यूमन थे, उन्होंने क्या देखा कि जब हम जानवरों को पालते हैं तो उनसे हमें क्या क्या मिलता है। जब हम जानवरों को पालते हैं तो वो हमारे सामान को ढो सकते हैं, उनका हम मार के मीट बना सकते हैं, खाना खा सकते हैं, फिर उनसे हमें मिल्क भी मिलता है यानी दूध भी पीने को मिलता है, और फिर वो हमारे सामान को, भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढो भी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें किसने सीखा, कैसे सीखा, अर्ली ह्यूमन ने सीखा, और धीरे धीरे उन्होंने अपने दिमाग को डेवलप किया, और उसके बाद जो हम आज हैं अर्ली ह्यूमन ने ही या जो सामान यूज़ किया था वो आज हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा बताए हुए चीज़ों को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर वो आविष्कार नहीं करते तो हमें भी आगे जाके बहुत टाइम लग जाता, ठीक है। तो अर्ली ह्यूमन को क्या हुआ, एनिमल को पालने से उनको क्या क्या मिला, मीट मिला खाने के लिए, दूध मिला पीने के लिए, फिर सामान ढोने के लिए क्या मिल गया उन्हों एनिमल को, हैवी सामान एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्होंने क्या किया, एनिमल को पाला यानी जानवरों को पाला, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जैसे दूध है, मीट है, ये सब भी उनको खाने को एनिमल से ही मिलने लगा। तो उनकी लाइफ क्या हो गई, थोड़ी अच्छी हो गई, ठीक है। लेट्स द प्रैक्टिस, अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि हमने अभी इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, हमें क्या करना है, टिक मार्क करना है करेक्ट ऑप्शन का। अर्ली ह्यूमन बिगेन लिव इन होम्स एंड फॉरेस्ट, जो बहुत पहले पहले आदमी रहते थे वो पहले कहाँ रहते थे, घर में रहते थे या फॉरेस्ट में रहते थे। तो पहले के आदमी को तो घर पता ही नहीं था, तो वो कैसे घर में रहेंगे, तो ऑब्वियसली वो जंगल में रहते थे, तो यहाँ पे हम फॉरेस्ट के आगे टिक करेंगे। Their claws were made of, उन्होंने अपने क्लॉथ को कैसे बनाना सीखा, मतलब वो जो क्या करते थे, Their claws were made of, उन्होंने कैसे, अब वो कैसे अपने कपड़े को बनाते थे, कॉटन से या लीफ से। तो कॉटन तो उनको पता ही नहीं था कि कॉटन क्या होता है, तो वो उन्होंने पेड़ पौधे को देखा, उनके लीव्स को देखा, बस उन्हीं से उन्होंने अपना क्लॉथ बनाना। Slowly then began to learn how to tame animal and kill animal. Slowly मतलब बहुत slowly उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा कि began, पहले उन्होंने क्या सीखा, जानवर को मारना या पालतू जानवर। तो पहले उन्होंने सीखा killed animal यानी जानवरों को मारना सीखा, उन्होंने tools बनाना सीखा, stone को sharp किया, फिर tools बनाया, और फिर उन जानवरों को मारा, फिर उनको पकाया, फिर खाया। तो ये हमारा हो गया MCQ। अब हमको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग, इसको क्या करना है, मैच करना है। पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसको इस ऑप्शन से मैच करेंगे। अर्ली ह्यूमंस यूज्ड शार्प स्टोन टू, यानी अर्ली ह्यूमंस थे जो थे वो शार्प स्टोन यानी पत्थर को शार्प कैसे यानी कि तीखा कैसे करते थे, इन अ केव हंट एनिमल फ्रूट्स रूट्स एंड रॉ फ्लेश एंड रविंग स्टोन। अर्ली ह्यूमंस यूज शार्प स्टोन टू, शार्प स्टोन किस लिए यूज करते थे अर्ली ह्यूमन, तो रबिंग स्टोन के लिए, नो फ्रूट्स रूट एंड रॉ फ्लेश के लिए, हंट एनिमल्स, तो यहाँ पे होगा हंट एनिमल यानी जानवरों को उनको मारने के लिए उन्होंने क्या किया, पत्थरों को घिस के उनका टूल्स बनाया, ठीक है। किस लिए बनाया, एनिमल्स को मारने के लिए यानी जानवरों को मारने के लिए। दे लिव्ड, वो कहाँ रहते थे, अर्ली ह्यूमन पहले कहाँ रहते थे, तो केव में रहते थे, फॉरेस्ट एंड केव में वो लोग रहते थे। तो दे लिव इन केव्स, दे मेड फायर बाय, उन्होंने फायर कैसे बनाया, तो उन्होंने
क्या किया, रबिंग स्टोन, यानी कि स्टोन को जब आपस में रगड़ा तो उससे फायर निकलने लगा। आपको भी अगर कहीं पे स्टोन मिले तो एक बार आप करके देखना, उससे फायर निकलता है, ठीक है। द रबिंग स्टोन दो मेड फायर बाई रवि स्टोन, ओके। रबिंग स्टोन को यानी रगड़ने से स्टोन को उन्होंने क्या किया, फायर को बनाया। देयर फूड वॉज अब उनके पास क्या था, उनका भोजन क्या होता था, फ्रूट्स होता था, रूट एंड रो फ्लेश होता था। पहले उनको पता ही नहीं था कि खाना कैसे बनता है, तो वो लोग क्या करते थे, जो पेड़ पे फल निकलते थे उसी को खाते थे, और फिर उसके बाद उससे नहीं होता था तो प्लांट्स के रूट्स को खाते थे, रो को खाते थे, फ्लेश को खाते थे। तो उससे वो क्या करते थे, अपना पेट वो भर लेते थे। पहले उनको इस बात की नॉलेज नहीं थी कि चावल दाल कैसे बनता है, तो उनको ये सब पता ही नहीं था, तो उनको जो सामने दिखता था वही वो खा लेते थे। फिल इन द ब्लैंक्स, अब हमको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। लीव्स है एंड एनिमल्स, स्किन, क्रॉप्स, स्टोन, फॉरेस्ट एंड केव्स। मतलब ये क्या है, ये आपका वर्ड्स दिया गया है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में, यानी जहाँ पे आपका ब्लैंक्स दिया हुआ है उस वर्ड को, सुटेबल वर्ड को यहाँ पे पुट करना है। अर्ली ह्यूमंस लर्न टू ग्रो देम, अर्ली ह्यूमन थे वो, उन्होंने कैसे किया, क्या अर्ली ह्यूमन लर्न टू ग्रो दे, क्या उन्होंने सीखा, ग्रो करना कैसे, क्या सीखा, लीव्स को, एनिमल्स को, स्किन को या क्रॉप्स को। तो उन्होंने ग्रो करना किसको सीखा, क्रॉप्स को। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रॉप्स। दे कवर्ड देयर बॉडी विद, उन्होंने अपना बॉडी कैसे कवर किया, तो उन्होंने अपना बॉडी किससे कवर किया था, लीव्स एंड एनिमल स्किन से, किससे किया था, लीव्स एंड एनिमल स्किन से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दे कवर देयर बॉडी लीव्स एंड एनिमल स्किन। अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन, अर्ली ह्यूमंस कहाँ रहते थे, तो अर्ली ह्यूमन लिव्स इन फॉरेस्ट एंड केव, फॉरेस्ट एंड केव्स। दे लर्न टू मेक टूल्स फ्रॉम, उन्होंने अपना जो टूल्स है, जो वो जो औजार है वो कैसे सीखा था, दे लर्न टू मेक टूल्स फ्रॉम स्टोन्स, उन्होंने क्या किया, पत्थरों से औजार को बनाना सीखा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोन होगा, दे लर्न टू मेक टूल्स फ्रॉम स्टोन। अब यहाँ पे क्या होगा, इन द टेबल बिलो राइट अबाउट द क्लॉथ फूड एंड शेल्टर टू अर्ली ह्यूमंस, यानी कि यहाँ पे ड्रेस दिया है, फूड दिया है, शेल्टर दिया है। तो हम लोग को क्या करना है, ड्रेस मीन्स उनका क्लॉथ पढ़ना है, फूड मीन्स उनका भोजन पढ़ना है, शेल्टर में यानी वो कहाँ रहते थे उसको यहाँ पे फील करना है। तो ड्रेस क्या था अर्ली ह्यूमन का, क्या था, लीव्स था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लीव्स। उसके बाद क्या था, एनिमल स्किन, क्या था, एनिमल स्किन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एनिमल स्किन। फूड में क्या था उनका, फूड में वो क्या कहते थे, फ्रूट्स, फ्रूट्स। उसके बाद और क्या खाते थे, फ्रूट्स, प्लांट रूट एंड रो फ्लेश। तो ये वो लोग ईट करते थे, उनका भोजन क्या था, फ्रूट्स और प्लांट रूट एंड रो फ्लेश। अब शेल्टर में क्या था, फॉरेस्ट, वो कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, और कहाँ था, केव्स था, यानी गुफाओं में रहते थे। तो ये हमने क्या किया, फील कर लिया, हम लोग को दो दो ये रो को ही फील करना था, दो दो ऑप्शन दिया हुआ था, तो ही ये ऑप्शन में इसको हमको फील करना था। तो ड्रेस में क्या लिखेंगे, लीव्स एंड एनिमल स्किन, फ्रूट्स में और फूड में क्या लिखेंगे, फ्रूट्स एंड प्लांट रूट एंड रो फ्लेश, और फिर
और सेल्टन में क्या लिखेंगे, फॉरेस्ट एंड केव्स। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब कुछ वर्ड मीनिंग, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग देख लेते हैं इस चैप्टर से जो बिलोंग करता है, वर्ड इंग्लिश मीनिंग। ठीक है, पहले ये वर्ड्स है फिर इसका इंग्लिश मीनिंग है। रो, रो मीन्स क्या होता है, अनकुक्ड। रो मीन्स अनकुक्ड, जैसे जिसको पकाया नहीं गया ऐसे ही खा लेते हैं, कच्ची सामग्री, कच्चा सामान जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, रो रो होता है, यानी अनकुक्ड, जिसको हम लोग पकाते नहीं है वो कच्चा सामान। केव, केव मीन्स होता है डेन, केव मीन्स डेन, डेन यानी कि जिसमें शेर वेर रहते हैं ना अपना घर बना के, वही गुफा, तो उसको क्या बोलते हैं, डेन। ग्रेडुअली मीन्स स्लोली, स्लोली, ग्रेडुअली मीन्स क्या होता है, स्लोली मतलब धीरे धीरे। क्रॉप्स मीन्स होता है फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट, यानी कि फसल को उत्पन्न, पौधे को उगाना क्या होता है, क्रॉप होता है। बहुत ज़्यादा एरिया में जब पौधे को हम एक साथ उगाते हैं, एक ही फसल को, एक ही चीज़ को, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं। टेम मीन्स क्या होता है, टेम मीन्स होता है डोमेस्टिकेटेड यानी पालतू। इन्वेंशन मीन्स क्या होता है, डिस्कवर यानी आविष्कार। इन्वेंशन मीन्स डिस्कवर यानी आविष्कार। टेम मीन्स क्या होता है, डोमेस्टिकेटेड यानी कि पालतू। क्रॉप मीन्स होता है फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। एंड ग्रेडुअली मीन्स क्या होता है, स्लोली। केव मीन्स क्या होता है, डेन। एंड रो मीन्स क्या होता है, अनकुक्ड यानी कच्चा सामान। अब कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। हु वेयर अर्ली ह्यूमंस, कौन है अर्ली ह्यूमंस? तो अर्ली ह्यूमन हम किसे बोलेंगे, तो बोलते हैं किसको, आंसर में क्या राइट करेंगे, पीपल हु लिव मेनी ईयर्स अगो वेयर कॉल्ड अर्ली ह्यूमंस, मतलब जो लोग बहुत साल पहले रहते थे उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ली ह्यूमन। ठीक है, यहाँ प्रारंभिक मानव। वेयर डीड अर्ली ह्यूमंस लिव, अर्ली ह्यूमन लिव, अर्ली ह्यूमन जो थे वो कहाँ रहते थे, अर्ली ह्यूमंस लिव इन फॉरेस्ट एंड केव्स। अर्ली ह्यूमन कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट में, जंगल में और गुफाओं में रहते थे। कहाँ रहते थे, जंगल और गुफाओं में रहते थे। द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डिड द इन्वेंशन ऑफ व्हील हेल्प अर्ली ह्यूमन, मतलब जब उन्होंने व्हील का आविष्कार किया, पही का आविष्कार किया, तो उन्हें मतलब उससे उन्हें क्या फायदा हुआ, हाउ डिड इन्वेंशन ऑफ व्हील हेल्प द अर्ली ह्यूमन, जब उन्होंने पहिए को बनाया तो उनसे उनको क्या मदद मिली, तो अब हम उसको देते हैं, उनको क्या मदद मिली, उन्होंने अपना सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। और उसके बाद देखते हैं द इन्वेंशन ऑफ व्हील हेल्प अर्ली ह्यूमन टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब जो पहिया था उससे उनको ये फायदा हुआ कि कोई भी सामान को, भारी भारी सामान को वो एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते थे, ढो सकते थे। तो ये उनका इन्वेंशन यानी व्हील के इन्वेंशन से उनको क्या हुआ, अपने गुड्स को उन्होंने कैरी किया। ओके, द इन्वेंशन ऑफ व्हील हेल्प अर्ली ह्यूमन टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ये क्या एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर है, Answer the following questions. Okay, the question is how did the early humans cover their bodies? मतलब जो early human थे वो कैसे अपने body को cover करते थे? Answer क्या होगा? Early humans covered their bodies with leaves or animal skin. जो early human थे वो अपने body को ढकने के लिए क्या करते थे, अब ये पत्तों का यूज करते थे और जानवरों के चमड़े का उपयोग करते थे, यूज करते थे। तो लीव्स का और एनिमल स्किन का क्या करते थे, एनिमल स्किन और लीव से वो लोग कवर करते थे अपने बॉडी को। व्हाट डिड द अर्ली ह्यूमन लुक लाइक, अर्ली ह्यूमन कैसे दिखते थे,
अर्ली ह्यूमन लुक लाइक अ मंकीज. अर्ली ह्यूमन कैसे दिखते थे? बंदर की तरह दिखते थे. कैसे दिखते थे? मंकीज की तरह. द अर्ली ह्यूमंस लुक लाइक मंकी. अर्ली ह्यूमन मंकी की तरह दिखते थे. How did early human learn to make a fire? मतलब early human ने कैसे सीखा आग को जलाना? The early humans made fire by rubbing or sticking a stone. उन्होंने क्या किया? आपस में पत्थर को टकरा के और उस पर पटक के क्या किया? फायर को जलाना सीखा, यानी आग को जलाना सीखा. Early human made the fire by rubbing and sticking stones. What did the early humans eat? Early humans क्या खाना खाते थे? Early humans ate fruit, roots and plant seed and raw flesh. वो कच्चा सामान खाते थे, कच्चा मीट खाते थे, कच्चे ही खा लेते थे. उनको बनाने नहीं आता था, उनको पता ही नहीं था कि कैसे पकता है. तो बाद में उन्होंने रविंग स्टोन किया तो उन्हें पता चला कि आग ऐसे उत्पन्न होता है, फिर उन्होंने उस पर खाना बनाना सीखा. तो अर्ली ह्यूमन सबसे पहले क्या खाते थे? फ्रूट्स को, फल को, रूट्स खाते थे, प्लांट्स के जड़ को खाते थे, बीज को खाते थे और कच्चे मांस खाते थे. What kind of tools did the early humans use? किस तरह के kind, मतलब किस तरह के वो लोग tools use करते थे, यानी औजार use करते थे. What kind of tools did the early humans use? मतलब किस तरह के बने औजार को वो लोग यूज करते थे? तो आंसर में क्या लिखेंगे? दे यूज टूल्स मेड ऑफ स्टोन. वो लोग पत्थरों के औजार को यूज करते थे. पत्थरों के से ही उन्होंने क्या सीखा? आग जलाना सीखा. और पत्थरों से उन्होंने क्या सीखा? पत्थरों से उन्होंने टूल्स बनाना सीखा. तो उनके लिए क्या यूज हुआ? पत्थर जो आसपास बहुत ज्यादा दिखता है, उन्होंने उन्हीं से क्या सीखा? आग जलाना सीखा. और उन्होंने पत्थर से ही उन्होंने क्या सीखा? क्या सीखा? औजार को बनाना, यानी टूल्स बनाना सीखा. तो ये क्वेश्चन क्या था कि कौन किस टाइप के औजार वो लोग यूज करते थे? तो वो लोग पत्थरों के औजार का यूज करते थे. दे यूज टूल्स मेड ऑफ स्टोन्स. तो ये हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया. तो हमारा अर्ली ह्यूमन क्या हो गया? फिनिश हो गया. तो अब हम क्या करेंगे? अब जो आगे का चैप्टर होगा, आपका यहाँ पे अर्ली ह्यूमन फिनिश हो गया. ये चैप्टर से कोई भी रिलेटेड क्वेरी होगी तो आप व्हाट्सएप पे करके मुझे पूछ लेंगे. तो अब क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. बाय बाय वन क्लास. Take care.